मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि अंडमान से इतना दूर आके उड़ीसा में आके व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खंडगरी कैब में। तो कल तीन जन थे, आज मैं अकेला हूँ, तो साथ में है प्रशांत भी आए, तो वो दो जन कुछ काम में बिजी हो गए, तो अभी मैं अकेला निकल गया हूँ। तो अभी हम लोग हाईवे के ऊपर से जा रहे हैं, सिटी के अंदर से भी जा सकते हैं लेकिन वहाँ ज़्यादा ट्रैफिक होगा, तो अभी हाईवे के ऊपर से जा रहे हैं। तो शायद यहाँ से और पाँच छः किलोमीटर बाकी होगा, क्योंकि मेन घर का वहाँ से 10 किलोमीटर था, तो यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे। तो बस रास्ते में अभी है हल्का फुल्का ट्रैफिक है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, और हम लोग फ्लाई ओवर के ऊपर से जा रहे हैं। भाई वो सामने टॉप में दिख रहा है ना, यहाँ में हल्का फुल्का दिख रहा है मंदिर, वो है उदयगिरी, वो उदयगिरी। बस वो पहाड़ पे हम लोग नीचे अभी रोड से जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे उधर। अच्छा यहाँ से एंट्री है? नहीं नहीं, यहाँ से नीचे साइड से, नीचे साइड से अब उतर जाएंगे। वेलकम टू खंडगरी कैब। खंडगरी कैब में पहुंच गए, तो पीछे था टिकट काउंटर, वहां से 25 रुपीज का टिकट है। बस अभी पहले एक कैब में जा रहा हूं, बहुत लंबा, बहुत दूर तक कैब लगता है। ये देखो ये छोटा छोटा कैब, इसमें एक मिनट फ्लैशलाइट ऑन करके देखता हूँ। देख रहे बहुत छोटे, हाइट भी नहीं है, एक बार अंदर आके जाके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ खड़ा हो नहीं पा रहा हूँ, हाइट नहीं है। अंदर वजह भी बहुत छोटा है। अभी एक कुछ कॉरिडोर टाइप में देख रहा हूँ ना, यहाँ से लेके कॉरिडोर नहीं, छोटा सा क्या बोलेगा इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, यहाँ से लेके वहाँ तक खुला कर दिया है, छोटा सा पुल टाइप में है। ये ठीक ठाक हाइट है, मेरा हाइट से भी थोड़ा ऊंचा है। और नीचे कैमरा तो अलाउ है, लेकिन जो मेरा गोप्रो अलाउ है, गोप्रो का जो स्टैंड है वो अलाउ नहीं है, तो उसको खोल के रख दिया हूँ बैग में, तो कैमरा को हाथ में लेके बात करो। अभी यहाँ से हाइट देखोगे, ये देखो अभी तुम चढ़ाई नहीं कहीं, और सिख सामने उदयगिरी, और थोड़ा ऊपर चढ़ के देखते हो, पूरा पत्थर है, पत्थर से काट के इसको बनाया है। बहुत बड़े बड़े पत्थर है, पत्थर से काट के नीचे बनाया, ऊपर में पत्थर तो ऊपर में अलग अलग दिख रहे हैं, देख रहे हो ना कितना ह्यूज है। ये तो एक लेवल ऊपर है, और भी ऊपर है, वो देखिए उधर में लोग खड़े हैं ना, वो और भी ऊंचे है। अभी यहाँ से भी भुवनेश्वर का टाउन दिख रहा है, यहाँ से देखो और ऊपर उठने से और भी बहुत बढ़िया दिखेगा, शायद वहाँ से एयरपोर्ट भी दिख रहा है, मुझे लगता है एयरपोर्ट ही होगा, श्योर नहीं हूँ। सेम सिस्टम है, अंदर आने के बाद दो अलग अलग से रूम है, बीच में नहीं, इसमें पार्टीशन नहीं है, इसमें एक ही रूम है, दो दरवाजे। इतना डिटेल में मुझे तो पता नहीं है, जो लोग गाइड है उन लोग को अच्छे से मालूम है। हल्का हल्का पानी टपक रहा है लगता कहीं से, यहाँ भी कुछ है, पता नहीं क्या क्या है सब।
शायद पानी उनी के लिए होगा। ओके ये शायद पानी बाहर आने के लिए। ओके हाँ सही सही लगता है, ड्रेनेज सिस्टम होगा, ड्रेन होगा ये। यहाँ से पानी लगता है रूम से, हाँ वहाँ से पानी रूम को किनारे से पानी यहाँ आके यहाँ से एग्जिट होके फिर यहाँ से बाहर चले आता होगा। देख रो कैसे काट के बनाया पत्थर को, ऊपर से देख रहे पूरा एक पत्थर है, नीचे काट काट के बनाया, कितना वजन होगा ना, कितना वेट होगा। एक तो लंबा कॉरिडोर है और यहाँ में कॉरिडोर का साइड में जस्ट रूम में एक बड़ा सा रूम है, इसमें दो दरवाजा है। इस सब में शायद ना पानी आने के लिए कुछ होगा, इसमें ड्रेन टाइप में कुछ है, लेकिन रूम का हाइट बहुत कम है। हाइट बहुत कम है यहाँ, ये रूम कुछ अलग टाइप का है। यहाँ थोड़ा यहाँ तक तो कंक्रीट है, बाकी बीच में एक गड्ढा सा है, पता नहीं क्या। और ये तो श्योर है कि पानी निकलने के लिए होगा, शायद यह नहाने का कुछ होगा, शायद नहाने कुछ था होगा बत्तब टाइप में। और वहाँ कोई आइडिया नहीं है वहाँ क्या था, लेकिन वहाँ थोड़ा हाइट बहुत कम है वहाँ। निकलते दरवाजा बहुत छोटा छोटा है, उदयगिरी केव और खंडगिरी केव दोनों आसपास में है, ऑपोजिट में। ये हम मैं जहाँ खड़ा हूँ ये है खंडगिरी केव, और ठीक सामने ऑपोजिट में वो जो दिख रहा है ना वो है उदयगिरी केव। तो ये दोनों केव को पहले कटक केव का नाम से भी जाना जाता था, कटक जो उड़ीसा का पहले कैपिटल था, फिर ये इसका नाम उदयगिरी और खंडगिरी केव हो गया। तो टोटल इसमें केव है 33 केव है, और 33 में से 15 केव अभी खंडगिरी में है और 18 केव उदयगिरी में। ऐसा कहा जाता है कि जो जैन मॉन्ग थे वो लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते थे, तो यहाँ आने के बाद कुछ उन लोग को रहने के लिए कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए यहाँ के राजा ने तब जाके एक ये बनाए थे कि उन लोग को रहने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो अभी चलते, अभी इस साइड तो कवर हो गई, अभी जाएंगे वो तरफ में, शायद वो टॉप में जाके देखते। सब कोई घूम रहे, उतना भीड़ नहीं है, ठीक है। हाँ मौसम भी ठीक ठाक ही है, उतना गर्मी तो अभी है नहीं, पसीना निकल रहा है वो तो अभी इसलिए निकले गए धूप है। पहले यहाँ से जाएंगे सीधे जाके वो जो पिलर दिख रहा है ना मेन, वहाँ देख के फिर वहाँ से चढ़ के ऊपर जाएंगे। ये तो हनुमान देख रहे हो, अंडमान में ये सब पाया नहीं जाता है, ये कोलकाता में भी देखा था, अभी यहाँ भी देख रहा हूँ। अरे ये तो नीचे भी है ऊपर भी है, आप ये तो बहुत सारे हैं, पेड़ पे सब बैठे देख रहे हो। ये तो बुलाया तो कितना आ गया, लड़ाई हो रहा है आपस अलग अलग लड़ाई हो रहा है। ये देखो अलग अलग ग्रुप के, एक ग्रुप है और एक ग्रुप लग के वो पेड़ पे अभी आपस में झगड़ा हो रहा है। यहाँ में अंदर में कुछ नहीं है, बस ये जो पिलर है पिलर का साइड में जस्ट इतना ही खुला स्पेस है, पता नहीं उस टाइम क्या यूज होता था। देखो कितने बड़े बड़े पिलर और अंदर का स्पेस पूरा खुला है, ऐसे खाली है। ये देखो सामने एक पत्थर है, इसको भी काट के गुफा का द्वार बना कर हर पत्थर में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करके रखा है यहाँ। एक देख रहे हो यहाँ भी है, इसमें भी है, वो चढ़ते ऊपर चल के देखते, इसके ऊपर भी है। देख रहे हो इसके ऊपर भी और भी ऊपर है, ऊपर चढ़ के देखते। ये देखो
यहाँ सीढ़ी तक खामा का मैं इतना दूर ऊंचा से चढ़ के आया क्या करे, यहाँ भी स्टेप से बना गया, क्या बनाया होगा ना तब का सोचो, कितना साल पुराना है। अगर सनराइज यहाँ से होता है तो सुबह का पहला धूप यहाँ गिरता होगा, अगर सनराइज पीछे से होता है तो पहाड़ के पीछे से होता है तो हाँ सनसेट के टाइम उसका धूप यहाँ गिरता होगा। ये है केव नंबर 12, इसमें लिखा है केव नंबर 12 करके, बाकी ये सब में वो शायद केव है कि नहीं, अभी मैं जहाँ स्टार्टिंग में जहाँ दिखाया था वो पता नहीं वो केव बोलते हैं कि नहीं पता नहीं, ये तो केव लिखा है सामने, केव नंबर भी दिया हुआ है और ये केव का नाम है बाघा गुम्फा। एक यहाँ एक केव है, वहाँ एक केव है, ये सब का सामने आपका लिखा है, लेकिन वो शायद केव नहीं था होगा, पता नहीं क्या है, लेकिन ये सिंगल सिंगल केव है, देख रो नाक है, एक मैं दूर से दिखाता हूँ, शायद ये इंसान का फेस होगा, वो बीच में नाक दिख रहा है, दो सर दो आँख और ये मुँह हो गए, तो एक बार अंदर जाके देखते। ये भी छोटा सा केव है, अभी यहाँ से भी बैठ के आराम से सब नज़ारा देख, अभी देखो वहाँ में टाउन दिख रहा है ना भुवनेश्वर का, अभी और थोड़ा ऊपर जाने से और भी क्लियर दिखेगा, थोड़ा चलते ऊपर। एक केव है यहाँ में, एक केव का नाम है जम्बेश्वरा गुम्फा, जम्बेश्वर गुम्फा, दो दरवाजा है, दो डोर, लेकिन रूम एक ही है, दो डोर है। उसका साइड से एक छोट साइड में एक छुटकू सा गुफा है, यहाँ क्या करता था होगा, ये शायद बैठने के लिए होगा, सिटिंग बेंच। एक बार यहाँ से चढ़ के जाते, ये पत्थर में चलने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अच्छा ग्रिप मिल रहा है जूता में, हार्ड है पत्थर। चढ़ गए खंडागिरी केव का सबसे टॉप में, साथ में कोई नहीं है तो सबको बोल बोल के फोटो खिंचवा रहा हूँ, बस ये है टॉप, दो भी टॉप था बस एक स्टेप ऊपर है, इधर में यहाँ भी पता नहीं क्या है, दिखाता हूँ एक मिनट ऐसा है, एक फ्लैट एरिया है और बीच में एक रिंग टाइप में है, ये गड्ढा हर जगह देगा, ये गड्ढा देख रहे हो ना पूरा चारों तरफ से, ये गड्ढा देख रहे हो ना, देखो यहाँ भी एक है पूरा चारों तरफ से, देखो वो चारों साइड से, ये है गणेश गुम्फा, सामने दो हाथी है, शायद यहाँ एंट्री बना होगा क्योंकि ये फेंसिंग कर रखा है, तो ठीक है अंदर नहीं जाता, सेम ही है, सेम गुफा तो रही है, बस बाहर से एक बार देख लेते। ये गणेश गुफा केव नंबर 10 है, तो इसके बारे में कुछ लिखा है, आप एक बार पॉज करके पढ़ लो ना क्या लिखा है। बस अभी उतर रहा हूँ, ऑलमोस्ट उतर के बस थोड़ा दूर बाकी है, बस अभी जाना है उदयगिरी केव में,
तो रत्नागिरी कैब का तो ठीक है, बहुत सब कुछ घूम लिया, अच्छा ही है, बहुत अच्छा लगा। अभी एक बार नीचे से एक बार दिखा देता हूँ ऊपर। तो ये ब्लॉग को और ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबा हो गया और सब कुछ कवर हो गया, तो बस ब्लॉग को यही एंड करते। अभी जाऊंगा सीधा उदयगिरी कैब में, जो सामने जो रोड दिख रहा है ना, रोड का वहाँ से जाना पड़ेगा। बस ये ब्लॉग को यही एंड करते, मिलते हैं अगले ब्लॉग में उदयगिरी पर्वत में। तब तक के लिए बाय बाय, सॉरी उदयगिरी कैब में, तब तक के लिए बाय बाय। पूरा ब्लॉग शूट हो गया, अभी मालूम चला है कि जो कैब में मैं घूम के आया वो उदयगिरी कैब था, खंडगिरी कैब नहीं। पूरा ब्लॉग में खंडगिरी कैब पर बोल रहा था, एक्चुअली बाहर में बताया गया था कि कौन सा कैब है, लेकिन कंफ्यूज हो गया दो कैब है करके। तो अंदर एक मतलब टूरिस्ट लोग ही था, तो उनसे पूछा कौन सा कैब है करके, तो वो लोग भी शायद डाउट में था, वो लोग भी बोल दिया कि ये खंडगिरी कैब है। तो पूरा ब्लॉग में मैं खंडगिरी कैब करके बोल रहा था, एक्चुअली है उदयगिरी। खंडगिरी कैब में मैं अभी जाऊँगा, जो कि अगले ब्लॉग में आएगा। तो पहले आप ये ब्लॉग देख लो, उसके बाद ये खंडगिरी का ब्लॉग देखना। बाय बाय।